झारखंड के जिला पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर शहर में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद के विरुद्ध अनुमंडल दंडाधिकारी रोशन कुमार के साथ चक्रधरपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के द्वारा 10 दुकानों पर छापामारी की गई। इस दौरान शहर के थाना मोड़ समीप आनंद स्टोर, प्रधान स्टोर एवं इतवारी बाजार में वाहिद बेकरी से करीब लाखों रुपए का प्रतिबंध तम्बाकू उत्पाद सामग्री बरामद की गयी, जिसमे सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि शामिल है। जानकारी देते हुए चक्रधरपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर शहर की 10 दुकानों में छापेमारी की गई, जिसमें 3 दुकानों से प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद की सामग्री बरामद हुई है। छापेमारी के दौरान इतवारी बाजार के वाहिद बेकरी संचालक दानिश एवं थाना मोड़ समीप आनंद स्टोर के संचालक आनंद मोदक को गिरफ्तार कर थाना लाया गया है, जबकि प्रधान स्टोर के संचालक धरणीधर प्रधान फरार है। बरामद सामग्री का आकलन किया जा रहा है। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी टीम में SI सौरभ कुमार ठाकुर, नरेंद्र पांडे, धनंजय कुमार, विपिन महतो आदि लोग शामिल थे। प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बेचे जाने की प्राप्त सूचना पर कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय रोशन कुमार के साथ संयुक्त टीम बनाई गई और छापेमारी किया गया। इसमें इतवारी बाजार से भारी मात्रा में एक दुकान से सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, गुटखा, जर्दा प्राप्त हुआ। कुल 10 जगह पर छापेमारी की गई। इसमें 3 स्थान से प्रतिबंधित सामग्री की बरामद करके थाना लाया गया, अग्निशमन कार्रवाई की गई। कहाँ कहाँ सर 3 जगह? एक इतवारी बाजार में जी, दूसरा कुल पुलिया के पास। अच्छा, और एक पुलिया के पास। अच्छा, पुलिया के पास एक इतवारी बाजार। तो सर इसकी कितना कुल 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई है अभी? नाम सर पता है? दाम अब अभी विधिवत कार्रवाई की जा रही है। अखंड भारत न्यूज के लिए रवि शंकर की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम।